जरा सोचो, जिस घर में आप रहते हो और उस घर में आपके अपने ही आपके जान के दुश्मन बन जाए तो, और आपके साथ कुछ ऐसा कर देगी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो कैसे हो आप लोग, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होगे। मेरा नाम है सागर वाघेला और स्वागत करता हूँ रिएक्टो सागर में। तो कहानी की शुरुआत होती है जॉन को देखते हुए, जो अपने सर्कस के लिए एक शेर खरीदने जा रहा है। तभी रेडियो पर खबर आती है कि अगले दो दिन खराब मौसम होने के कारण तूफान आने वाला है। फिर हम जिमी को देखते हैं, जो जॉनी को शेर बेचने आया है। जिमी जॉनी से परमिट मांगता है, जॉनी उसे परमिट दिखाता है। तभी जिमी जॉनी को शेर दिखाता है, पर उस वक्त जॉनी पिंजरे को छूने ही वाला होता है। उसी वक्त जिमी उसे पिंजरे से दूर रहने को कहता है, क्योंकि उसने पिछले सर्कस में एक गोड़ी को मार दिया था और 350 लोग अपनी जान बचाकर भागे थे। पर जॉनी जिमी से कहता है, क्या ये ट्रेन है? पर जिमी नहीं कहता है, क्योंकि ये जंगली शेर है और आदमखोर भी। पर जॉनी कहता है, ये कितना शांत है, मुझे तो खूंखार चाहिए था जिसे देखने लोगों की भीड़ लग जाए। और वो जिमी से टाइगर का भाव कम करने को कहता है, पर जिमी मानता नहीं और वो अपने शेर को वापस ले जा रहा होता है। पर ये देखकर जॉनी मान जाता है और जाते जाते जिमी जॉनी को आगाह करता है कि ये शेर दो हफ्तों से भूखा है और इसे शांत रखने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा, और तुम्हें इसे कहीं ले जाना हो तो तुम इस पिंजरे का इस्तेमाल करना। और जॉनी अपने घर की ओर निकलता है। फिर हम कैली को देखते हैं और उसका एक भाई है जो अपनी माँ के मौत के बाद उसकी दिमाग की हालत बिगड़ गई है। इस कारण वो कैली से बात नहीं करता और हमेशा अपने और अपनी माँ के याद में डूबा रहता है। फिर भी वो अपने भाई का एक माँ की तरह ख्याल रखती है, पर अपने कॉलेज के कारण संभाल नहीं सकती, इसलिए वो उसका एडमिशन करवाने एक हॉस्टल में आती है। फाइनली वहाँ एडमिशन हो जाता है। प्रिंसिपल कैली से एडमिशन फी मांगती है, तभी वो अपने कार्ड पेमेंट करने को देती है और अपने भाई को गुड बाय कहती है। पर टॉमी एकदम चिल्लाने लगता है, मुझे मत छुओ, मुझे छोड़ दो। तभी प्रिंसिपल टॉमी को शांत कराती है और कैली को समझाती है कि टॉमी हमेशा ऐसा ही रहेगा, और कुछ लोग अपने ऑटिस्टिक बच्चे के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं, पर तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि तुम भी अकेली हो। तो कोई बात नहीं। तभी प्रिंसिपल कहती है कि तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं है, पर कैली उन्हें समझाती है कि मेरे अकाउंट में कल पैसे थे। और वो बैंक में फोन करती है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता ने कल सब पैसे निकाल लिए हैं और वो अपने घर को किसी सफारी पार्क में बदलने वाले हैं। फिर हम जॉनी को देखते हैं जो कैली टॉमी का सोतेला बाप है और वो शेर घर ले आया है। और तभी कुछ मजदूर शेर को देखते हैं, पर उसी वक्त एक मजदूर पिंजरे को छू लेता है और उसे शेर झपट लेता है। उसी वक्त उसकी उंगली पर चोट आ जाती है। जॉनी मजदूर को पैसे देता है और तुरंत हॉस्पिटल में जाने को कहता है ताकि ये बात पुलिस को पता ना चले। फिर वो सारे खिड़की दरवाजे बंद करने को कहता है क्योंकि तूफान आने वाला है। तभी कैली आ जाती है, उसे एक बड़ा फ्रिज दिखता है। दूसरी तरफ टॉमी उस खूंखार शेर के पिंजरे के पास आ जाता है और वो पिंजरा खोलने लगता है। पर तभी वहाँ जॉनी आ जाता है और उसे कहता है कि अंदर आदमखोर शेर है और उसे घर में जाने को कहता है। उसी वक्त कैली जॉनी को कहती है, तुमने मेरे अकाउंट से पैसे क्यों निकाले? तो जॉनी कहता है, पैसे तुम्हारी माँ के थे। पर कैली कहती है कि माँ ने मरते वक्त कागज पर लिखा था उस पैसों से वो टॉमी का ख्याल रखे। पर जॉनी कहता है कि तुम्हारी माँ नींद की गोलियां खाकर मर गई और सिर्फ एक कागज लिख कर रख दिया। अगर असली वसीयत के कागज नहीं मिले तो ये सारे पैसे और ये घर में अपने नाम कर लूंगा। ये सुनकर कैली मायूस हो जाती है। फिर भी वो कहती है, जो खर्च हुए सो हुए, बचे हुए पैसे मुझे लौटा दो। पर जॉनी कहता है कि मैंने उन पैसों से एक शेर खरीदा है, जब उसे देखने लोग आएंगे तो हमें पैसे मिलेंगे। और दिलासा देते हुए कहता है कि टॉमी मेरी भी जिम्मेदारी है। और वो वहां से चला जाता है। तभी वहां टॉमी आ जाता है और वो खाना मांगने लगता है। पर कैली कहती है, अभी 5:30 बजे है, और वो उसे ब्रेड क्रीम दे देती है। गलती से उससे थोड़ा दूध ग्लास में ज्यादा गिर जाता है। ये देखकर टॉमी चिल्लाने लगता है, मतलब उसे हर चीज परफेक्ट चाहिए थी। और कैली ग्लास का दूध कम कर देती है। फिर वो टीवी चालू करके उसे पूछती है कौन सा चैनल लगाऊं, पर टॉमी अपनी माँ की वीडियो देखना चाहता था जब उसका 8वां बर्थडे था, मतलब वो आज भी अपनी माँ को याद करता था। उसे देखकर कैली भी दुखी हो जाती है। तभी वो अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को फोन करती है कि इस साल वो अपना कॉलेज कंप्लीट नहीं कर सकती क्योंकि टॉमी की हालत और बिगड़ रही थी। पर तभी प्रिंसिपल कहते हैं कि तुमने पहले ही 2 बार स्कॉलरशिप मिस कर दी है और तुम टॉमी की माँ तो नहीं हो, और तुम जरा ठंडे दिमाग से सोचो वरना ये स्कॉलरशिप मैं किसी और जरूरतमंद को दे दूंगा। पर कैली कहती है, मुझे इसकी जरूरत है। फिर प्रिंसिपल कहते हैं, तुमने इतने साल मेहनत की है और अब तुम पीछे नहीं हट सकती। कैली अपने भाई की वजह से अपनी जिंदगी तबाह कर रही थी। वो 2 रास्तों पर थी,
एक तरफ उसका पागल भाई था जिसे माँ का प्यार चाहिए था और एक तरफ उसकी जिंदगी थी जहाँ वो इन सब से आजाद हो सकती थी। पर एक दिन वो टॉमी पर गुस्सा हो जाती है, तभी वो देखती है कि जिन गोलियों की वजह से उसकी माँ की मौत हुई थी उन गोलियों को टॉमी ने अपने पास रखा था और कैली परेशान हो जाती है। वो अपने आप को मारने की कोशिश करती है पर अपने भाई को इस हालत में वो अकेला नहीं छोड़ सकती थी, अपने कपड़े धोने रख देती है। पर तभी उसमें उसका मोबाइल भी चला जाता है जो उसे पता नहीं चलता। फिर टॉमी दरवाजे के बाहर किसी को देख रहा था पर कैली उसे अंदर ले जाती है और अंदर से दरवाजा लॉक कर लेती है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो आपका शुक्रिया। अब आगे देखो क्या होगा। फिर हम देखते हैं कोई शेर को पिंजरे से खींचता हुआ आता है और शेर को घर के अंदर छोड़ देता है पर हम उसका चेहरा नहीं देख पाते। फिर हम कैली को देखते हैं जो टॉमी को मारने की कोशिश कर रही है और तभी उसकी नींद खुल जाती है, मतलब ये सपना था। तभी रेडियो पर खबर आती है कि तूफान की गति तेज हो गई है और हवा 200 किलोमीटर प्रति घंटे से आगे बढ़ रही है। फिर वो टॉमी के पास आती है और कुछ सोचकर वहाँ से फिर चली जाती है। फिर वो कुछ खाने के लिए किचन में आती है, उसे फ्रिज पर जॉनी का नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि वो शहर से बाहर गया है। फिर वो पानी की बोतल लेके फिर वो दोबारा फ्रिज देखती है जॉनी लाया था। वो दोबारा कमरे में आ जाती है, तभी उसे घर में कुछ आवाजें सुनाई देती है तो वो उसे फिर आवाज देती है। उसे लगता है टॉमी होगा पर वो देखती है कि घर में एक शेर घुसा आया है। वो डर कर अपने कमरे में आ जाती है और लाइट बंद करके और सारे खिड़की दरवाजे खोलती है पर वो सारे किसी ने बाहर से बंद किए हुए थे। उसे मोबाइल की याद आती है पर वो तो लॉन्ड्री रूम में गिर गया था। फिर वो लैंडलाइन से पुलिस को फोन करती है पर सारी पुलिस बिजी होने के कारण वो अपना वॉइस मेल छोड़ती है। उसे थोड़ी देर में वहाँ से फोन आने वाला था, तभी वो दूसरा दरवाजा देखती है तो वो भी बाहर से किसी ने बंद किया हुआ था। फिर वो टॉमी को ढूंढती है पर वो तो रूम में नहीं था। केली उसे सब जगह ढूंढती है पर वो उसे नहीं मिलती। फिर वो अपना फोन ढूंढती है और जॉनी को फोन करती है पर जॉनी का तो फोन कार में था और जॉनी बार में मजे कर रहा था, मतलब ये सब जॉनी ने ही किया था। तभी कैली बाहर जाने का दरवाजा खोलती है तो वो भी बाहर से किसी ने बंद किया था। वो दोबारा अपने कमरे में आ जाती है, उसे वहाँ शेर की आवाज आती है तो वो वहाँ से फिर नीचे आ जाती है। जब वो मेन दरवाजा खोलती है तो वो भी बाहर से बंद था, मतलब कैली और टॉमी घर में फंस चुके थे और उन्हें घर में एक आदमखोर शेर ढूंढ रहा था। वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है पर वो तो हिलने का नाम भी नहीं ले रहा था। फिर वो स्टोर की खिड़की तोड़ने की कोशिश करती है पर आवाज कारण शेर दरवाजे के बाहर आ चुका था और वो बाहर से दरवाजा तोड़ रहा था। तभी अपना मोबाइल लेकर किचन की चिमनी में घुस जाती है। यहाँ शेर भी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है क्योंकि उसे कैली की खुशबू मिल चुकी थी। डर के मारे वो चिमनी से फिसल रही थी और उसका सारा बदन पसीने से भर चुका था। तभी कैली का मोबाइल गिर जाता है और उसी वक्त 911 से फोन आता है। तभी शेर उस फोन को चबा देता है। यहाँ कैली पसीने के कारण फिसल रही थी, तभी उसके पसीने की एक बूंद नीचे गिरती है और शेर को फिर खुशबू मिल जाती है और वो उस पर झपट जाता है। और कैली वहाँ से लॉन्ड्री रूम में आ जाती है तो उसके पीछे था टॉमी। कैली उसे चिल्लाती है कहाँ थे तुम और वो उसे अपने साथ चलने को कहती है और वो स्टोर रूम ओपन करती है पर पीछे से टॉमी भाग जाता है। वो उसे समझाती है कि घर में एक शेर घुस आया है पर उसे तो सुनकर कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो रूम में आकर इंटरनेट चालू करती है पर नेटवर्क ना होने के कारण लोड हो रहा था। तभी वहाँ भी शेर आ जाता है और दरवाजा तोड़ने लगता है पर तभी कैली टॉमी को पकड़ लेती है और बेड के नीचे छुप जाती है और वो अपनी खुशबू छुपाने के लिए वो अत्तर जमीन पर छिड़कती है पर यहाँ भी टॉमी बार बार चिल्ला रहा था मुझे छोड़ दो मुझे मत छुओ। और शेर रूम में आ जाता है और उनके बेड पर चढ़ जाता है और उन्हें लगता है शेर चला गया है तो वो उन्हें बेड के नीचे देख लेता है और उन पर हमला कर देता है। बेड पलट जाता है। उसी वक्त कैली रूम का दरवाजा खोलती है और दूसरे रूम में आ जाती है और वहाँ से बचते हुए वो किचन की ओर आती है। फिर एक बार वो मेन डोर का प्लाई निकालने की कोशिश करती है पर कुछ नहीं हो रहा था और शेर उनके करीब आ रहा था। तभी वो घर में रखा मीट और अपनी माँ की नींद की गोलियां लेती है और मीट में मिला देती है और पूरे किचन में फेंक देती है। पर उसी वक्त टॉमी को भूख लगती है, वो उसे चॉकलेट ब्रेड खाने को देती है। मीट की खुशबू से शेर किचन की ओर आता है और कैली अपने भाई को लेकर ऊपर भागती है और उसे यही रुकने को कहती है पर टॉमी तो फिर भाग जाता है। कैली टॉमी को ढूंढने भागती है तो टॉमी तो रूम में छुपा था। कैली अंदर आ जाती है तो इस रूम में भी सभी खिड़की दरवाजे बाहर से बंद किए गए थे और टॉमी को वहाँ अपने माँ की ड्रेस दिखती है और वो जोर से चिल्लाने लगता है और कैली उसे ड्रेस दे देती है और एक लोखंड का रॉड लेकर कबर्ड में छुप जाती है पर वहाँ भी शेर आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। पर कैली दीवार में सुराख बना देती है, इस कारण वहाँ की दीवार टूटने लगती है और कैली टॉमी को वहाँ से बाहर निकाल देती है। जैसे ही वो बाहर आने लगती है शेर कबाट तोड़ देता है और कैली के पैर पर पंजा मारता है, इस कारण वो जख्मी हो जाती है। फिर वो वहाँ से दूसरे कमरे में आ जाते है। वहाँ कैली को बंदूक की गोलियां मिल जाती है पर गन नहीं मिल रही थी। कैली अपने भाई की जान बचाने में लगी थी
तभी केली एक टी शर्ट फाड़ कर अपने पैर पर बांधती है। तभी वहाँ उसे कुछ पेपर दिखते जो उसकी माँ के लाइफ इंश्योरेंस के थे और उसमें नॉमिनी के तौर पर केली टॉमी का नाम था। अगर इन्हें कुछ हो जाता है तो सारी प्रॉपर्टी जॉनी को मिलेगी। यह देखकर केली को पता चल जाता है कि यह सब जॉनी ने किया है, जो उनका सौतेला बाप है और उनकी माँ को भी जॉनी ने ही मारा होगा, ऐसा केली को लगता है। वो गुस्सा होकर गन ढूंढने लगती है और वो गोलियां भरती है, पर उसमें एक गोली कम थी। यहाँ शरीफ जॉनी से कहते हैं, तू पागल है क्या? तो जॉनी कहता है, शेर को मैंने पिंजरे में रखा है, वो बाहर घूम नहीं सकता और मैंने उसे 2 हफ्तों से भूखा रखा है और मैं नया काम करना चाहता हूँ। और जब केली कॉलेज जाएगी तो टॉमी का ख्याल मुझे रखना होगा। और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। यह देखकर शेर भी वहाँ से चला जाता है। यहाँ केली देखती है कि शेर ने अभी तक गोली वाला मास्क खाया नहीं है और वो उसे मारने नीचे आ जाती है। पर तभी टॉमी फिर भाग जाता है। यहाँ केली शेर पर फायर कर देती है पर उसमें एक गोली नहीं थी, इस कारण फायर नहीं होता और शेर उसके पीछे भागता है। तभी वो एक टेबल के नीचे छुप जाती है और वहाँ से फायर करती है, पर वहाँ उसके सामने टॉमी टीवी देख रहा था। ये कैसी बीमारी थी जहाँ घर में इतना गर्म माहौल था और भाई साहब को तो टीवी देखनी थी। तभी केली अपने भाई को चलने को कहती है, पर भाई साहब को तो टीवी देखनी थी। केली भाग कर स्टोर रूम की खिड़की खोलने में कामयाब हो जाती है और वो जैसे खिड़की खोलती है उस पर शेर झपट जाता है और वो बचती हुई घर से बाहर आ जाती है। अब वो आजाद थी, उसके सामने गाड़ी थी, वो गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी चालू करती है, पर उसे अपने भाई की याद आती है पर वो आगे बढ़ नहीं पाती। फिर वो उसी रास्ते घर में आ जाती है। वो टॉमी को ढूंढती है तो वो एक कोने में अपनी माँ का ड्रेस लेकर बैठा था। फिर केली और एक लकड़ी के डंडे को अपना अंडरवियर बांधती है और उसे लब्बर से पैक करती है, घर में रखा डियो उस पर स्प्रे करती है। फिर वो उसे आग लगाकर दरवाजे की ओर बढ़ती है, पर तभी उनके सामने शेर आ जाता है और वो उन पर हमला करने ही वाला था, पर आग होने के कारण उनसे थोड़ा दूर रहता है। तभी केली को फ्रिज की याद आती है, वो टॉमी को फ्रिज में जाने को कहती है और वो खुद भी उसमें घुस जाती है, पर वहाँ भी शेर हमला कर देता है, पर शेर फ्रिज का दरवाजा नहीं खोल पाता। पूरी रात दोनों वहीं गुजरते हैं। जब सुबह होती है तो वो देखते हैं शेर कहीं दिख नहीं रहा था और बाहर से कोई दरवाजा खोल रहा था, तो वो जॉनी था जो देखने आया था कि केली टॉमी मर चुके होंगे, पर ये तो जिंदा थे। तभी वहाँ शेर जॉनी पर हमला कर देता है और उसे घसीटता हुआ अंदर ले जाता है। केली धीरे धीरे बाहर निकलती है। फाइनली टॉमी भाई साहब अपनी बहन का हाथ पकड़ता है, यह देखकर केली खुश हो जाती है। तो फाइनली मूवी बर्निंग ब्राइट एक्सप्लेनेशन यही खत्म होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो। अगर आप ऐसे ही मजेदार वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।